मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परवाज़ टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदमी। खबरों का आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, उसके गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तफसील से नज़र डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। वक्त पर इलाज व मुतवाजन ग़िज़ा से शुगर पर काबू पाया जा सकता है। आईएमए के शौर बेदारी पोस्टर्स की रस्म इजराई के मौके पर अर्बन एमएलए बीगाला का खिताब। हुकूमत आरटीसी मुलाजमीन के साथ कर रही नाइंसाफी। मुलाजमीन वो किसानों को राहत देने में हुकूमत नाकाम, हनुमंत राव का इल्जाम। जिला सरकारी दवाखाने के सिक्योरिटी गार्ड्स की मरीजों व आवाम के साथ बहस व तकरार, मारपीट रोज का मामूल। एक नौजवान के साथ मारपीट का एक और वाकया, आवाम में तशवीश। अवाम की बहादुरी से पुलिस के हत्थे चढ़ा चेन स्नैचर से पूछताछ जारी। महाराष्ट्र के ईरानी गैंग से ताल्लुक होने का शुभा, स्नैचर को पकड़ने के लिए बहादुरी दिखाने वालों को पुलिस ने दिए सर्टिफिकेट, कमिश्नर ऑफ पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बढ़ेंगे अब खबरों की तफसील की तरफ। शुगर का मर्ज शुगर के मरीजों के लिए काफी मसाइब की वजह साबित हो सकता है। इस मर्ज पर काबू पाने के लिए दवाई और मुतवाजन गजा का वक्त पर इस्तेमाल बेहतरीन इलाज, अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का इजहार। शहर की अर्बन एमएलए कैंप ऑफिस में आईएमए के तहत शुगर मर्ज रोकथाम के बारे में तिबात किए गए पोस्टर्स की बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों इजराई की गई। शुगर मर्ज से बचने और शुगर मर्ज में मुबतला होने पर रोकथाम के बारे में लिए जाने वाले इकदाम का इन पोस्टर्स के जरिए आवाम को मालूम देने का आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर जीवन राव, सेक्रेटरी डॉक्टर विशाली एमएलए को मालूम दी, जिस पर एमएलए ने इन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि शुगर मर्ज की रोकथाम के लिए सही व मुतवाजन गजा की आदत डालने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में आईएमए नुमाइंदे डॉक्टर रशीद, राजेश श्रीधर राव, किरण श्रीसेल्लम, हिमा चक्रापानी, विनोद कुमार गुप्ता व दिगर ने शिरकत की। शुगर व्याधि ये विधंगा कंट्रोल उंचुकोवाली, वस्ते नष्टालेंदी राकुंडा मन आरोग्यानी एला कापाडुकोवाली चेप्पेसी वारी बाध्यतगा डाक्टर्स का आईएमए असोसिएशन अंदरू ओकताडिपैकी वच्ची वाळ्ळ डाक्टर रशीद गारु आध्वर्यंलो ఈ పంప్లెంట్స్ ప్రింట్ చేశారు ఉర్దూలో తెలుగులో డాక్టర్ జీవన్ రావు గారు, వినోద్ గారు, విశాల్ గారు అందరూ కూడా ఈ డాక్టర్స్ వచ్చి సమాజం కోసం మనం ఏమైనా చేయాలి, ఎందుకంటే ఈ బీపీలు షుగర్లు లేని ఇల్లు లేదు, ప్రతి దగ్గర కూడా ఈ వ్యాధులతో ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ రోగాల బారిన పడకుండా ఏ విధమైనటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మనం షుగర్ వ్యాధి రాకుండా చూసుకోగలుగుతామనే జాగ్రత్తల కోసం ఈ పంప్లెంట్ని రిలీజ్ చేసి నగరంలో కూడా పంచబోతూ ఉన్నారు। ఇదందరూ చదవాలి, మీరు చదివి ఈ జాగృతలు పాటించాలని చెప్పేసి నేను కోరుతా ఉన్నా। మరి అదే విధంగా మన నగర ప్రజల కోసం వారు బాధ్యత వహించి ఈ పాంప్లెట్ని ప్రింట్ చేసి మన చేతుల మీదుగా ఇప్పుడే రిలీజ్ అయిపోయడం జరిగింది। వారికి నిజామాబాద్ నగర ప్రజల తరపున నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నా। ఆర్టీసీ ములాజ్మీన్ కే మసాయిల్ కి ఎక్స్వీ కర్నే కి బజాయ్ హుకుమత్ అప్నీ హర్ధర్మీ దిఖా రహీ, ఆర్టీసీ జేసీ వో బాయబాజో జమాతో నే లగాయా ఇల్జామ్। इसी तरह कोर्ट को झूठी मालूमात देते हुए कोर्ट वो अवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद किया। आरटीसी मुलाजमीन के मसाइल की एक सुई के लिए की जा रही गैर मुआयना मुद्दत हड़ताल 40वें रोज पे पहुंच गई। शहर के धरना चौक में आरटीसी जेएसी व बायबाजो जमातों के तहत कायदीन हड़ताल में हिस्सा लिए और इन्हें आरटीसी मुलाजमीन ने फूल मालाएँ पहनाते हुए हड़ताल के लिए गैर मकदम किया। इस मौके पर केसीआर व आरटीसी इंतजामिया के खिलाफ नाराबाजी की गई। इसके बाद आरटीसी जेएससी कायदीन ने कहा कि वजीर आला केसीआर
अपनी हठधर्मी दिखाते हुए मजदूर संगमों के कायदीन के साथ बातचीत नहीं कर रहे और हड़ताल 40वें रोज में पहुंच जाने पर भी हुकूमत किसी भी तरह की दिलचस्पी ना लेने से एक मुलाजिम दिलबर्दाश्ता होकर फौत होने का इजहार किया और हुकूमत आरटीसी मुलाजमीन को बचाते हुए उनके मसाइल की एक सुई करने का मुतालबा किया। इसके बाद बाएबाजों जमातों के कायदीन ने कहा कि वजीर आला केसीआर कोर्ट को झूठी मालूमात देते हुए कोर्ट व आवाम को गुमराह करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम आयद किया और हुकूमत मुलाजमीन के हकीकी मुतालबों को हल करने का मुतालबा किया। एड़पल्ली मंडल परिषद ऑफिस में रियासती ऑडिट अहदेदारों के अहकाम के मुताबिक ज़िला ऑडिट अहदेदार MPDO व सेक्रेटरी से इजलास मुनाकिद किए। इस मौके पर ज़िला ऑडिट टीम लीडर अमृत कुमार ने कहा कि जिला भर के तमाम मंडलों में सितंबर 30 तारीख से कबल ही ऑडिट मुकम्मल हुई और मुद्दत खत्म होने के बाद भी एड़पल्ली मंडल के किसी एक ग्राम पंचायत में भी ऑडिट मुकम्मल ना करने पर सख्त बरहमी जताई। इस मसले पर MPDO शंकर वजाहत करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 3 माह से ऑडिट इंतजाम के लिए अहदेदार तैयार है और 30 रोज़ा एक्शन प्लान के नाम से सेक्रेटरीज ऑडिट के लिए अपना ताउन नहीं दिए और जल्द अज जल्द रिकॉर्ड्स मंगवाते हुए ऑडिट रिपोर्ट्स सौंपने का ऑडिट टीम से वजाहत की। इस इजलास में ऑडिट अहदेदार पुरुषोत्तम ने शिरकत की। ప్రభుత్వంలో చెల్లం లేకపోవడం చాలా దురదృష్టకరం. ఇప్పటికైనా కానీ కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఉద్యమంలో అగ్రగామి స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఆర్టీసీ కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని ఈరోజు ఆర్టీసీ కార్మికుల న్యాయమైన డిమాండ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇది గ్రామీణ ప్రజలకు పట్టణ ప్రజలకు ఉపయోగపడేటువంటి ప్రధానమైనటువంటి డిమాండు. ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలని చెప్పేసి ఒక ప్రధానమైనటువంటి డిమాండ్. ఈ డిమాండ్ పైన చర్చ జరపాలని చెప్పేసి ఇలా ఆర్టీసీ నాయకత్వం కోరుతున్న రాష్ట్రంలోటువంటి అధికార యంత్రాంగం కానీ రవాణా శాఖ మంత్రి కానీ కేసీఆర్ గారు కానీ ఇప్పటికైనా పట్టించుకోకపోవడం చాలా సిగ్గుచేటువంటి విషయము. తెలంగాణ ఎడపల్లి మండల్ కే గ్రామ పంచాయతో మే ఆడిట్ నా కర్నే సే ముతాలిక ఓహదిదార్ సఖ్త్ బర్హమ్ और पंचायत सेक्रेटरीज के तरीक़ेकार पर सख्त नाराज़गी जाहिर की। एड़पल्ली मंडल परिषद ऑफिस में रियासती ऑडिट अहदेदारों के अहकाम के मुताबिक ज़िला ऑडिट अहदेदार MPDO व सेक्रेटरीज से इजलास मुनक़िद किए। इस मौके पर ज़िला ऑडिट टीम लीडर अमृत कुमार ने कहा कि ज़िला भर के तमाम मंडलों में सितंबर 30 तारीख से कबल ही ऑडिट मुकम्मल हुई और मुद्दत खत्म होने के बाद भी एड़पल्ली मंडल के किसी एक ग्राम पंचायत में भी ऑडिट मुकम्मल ना करने पर सख्त बरहमी जताई। इस मसले पर MPDO शंकर वजाहत करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 3 माह से ऑडिट इंतजाम के लिए अहदेदार तैयार और 30 रोज़ा एक्शन प्लान के नाम से सेक्रेटरीज ऑडिट के लिए अपना ताउन नहीं दिए और जल्द अज जल्द रिकॉर्ड्स मंगवाते हुए ऑडिट रिपोर्ट सौंपने का ऑडिट टीम से वजाहत की। इस इजलास में ऑडिट अहदेदार पुरुषोत्तम ने शिरकत की। राष्ट्र ऑडिट शाखा निज़ामाबाद जिला तरफ एड़पल्ली मंडल संबंधी ग्राम पंचायत अन्नी ऑडिट बैलदेरा अंदर भाग नैन अमृत कुमार पुरुषोत्तम बांधवी कविता मरी सरिता गारु अंदर भाग में एड़पल्ली मंडल में इप्पटिवरकू ग्राम पंचायत ऑडिट कॉलेज जिला पेंडिंग पड़पिंदी वाळ्ळु ऑडिटर सेक्रेटरी सेवर सहकरिस्तलेरु ఏదో సార్ దృష్టి తీసుకొచ్చాం MDO వారి దృష్టికి. సారు ఇప్పుడే వాళ్ళకు అందరికి ఫోన్ చేసి చెప్పాడు, వాళ్ళ టైం ఇచ్చారు, రేపు అనేటువంటి అన్ని చేయిస్తామని. 30 రోజుల పనులతో భాగంగా మేము అందరం బిజీ ఉండి చేయలేకపోయామని చెప్పారు. సో ఏదేమైనా రేపు రికార్డ్స్ వస్తాయని అంటున్నారు. రేపు తర్వాత మొత్తం ఆడిట్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేస్తాం. దీనికి సంబంధించిన ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ ఒక 45 డేస్ తర్వాత వస్తుంది. దాని రోజు పాటు अल्लाह ने दुनिया व आखिरत की कामयाबी व कामरानी दीन इस्लाम की तालीमात व जनाबी रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में रखी। हम मन चाहे ज़िंदगी छोड़ रब चाहे ज़िंदगी गुजारने वाले बने और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करें। सीरतुन्नबी सारे इंसानों के लिए हिदायत थी। जलसा शान मुस्तफ़ा से अकाबरीन के खिताबात। पिटलम के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में तंजीमुल मसाजिद व जमिया नौजवानानी पिटलम के ज़ीर एहतमाम माह रबीउल अव्वल की निस्बत से अजीमुशान जलसयाम
बाउनवान शानी मुस्तफ़ा सैयद अब्दुल बासित की निगरानी में अमल में आया, जिसमें मौलाना सैयद बशीरुद्दीन हुसामी व दीगर जैयद आलमुद्दीन ने शिरकत की और मुसलमानों से खिताब किया और बताया कि हमने दुनिया कमाने के चक्कर में आखिरत की फ़िक्रों को छोड़ दिया और आखिरत की लामुतनाही ज़िंदगी को भूल बैठे, जबकि अल्लाह ने दुनिया व आखिरत की कामयाबी व कामरानी अपने दीन में रखी और आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में कामयाबी है। हम सीरतुल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आम करने वाले बने। अल्लाह ने आपको रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुलह रहमी, उख़वत, हमदर्दी, इंसानियत का दर्स दिया और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने की मिल्लत को तलकीन की। हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल हफीज़ हुसामी और हाफिज़ सैयद अब्दुल्मुकीत ने उलमाए इकराम व जलसे में शिरकत करने वालों से इजहारी तशक्कुर किया। अवाम के ताउन और हौसले से ही जुर्म का खात्मा मुमकिन है। चेन स्नैचर को पकड़ने में अवामी नुमाइंदे व मुकामी अवाम का ताउन व बहादुरी काबिल सताइश व काबिल तकलीद। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकया का बयान। अवाम के हत्थे चढ़ने वाले चेन स्नैचर से पूछताछ जारी है। पुलिस मुकम्मल तहकीकात के जरिए चेन स्नैचर का सफाया करेगी। कमिश्नर ऑफ पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एड़पली में गुजरे कल मंदिर जाने वाले खातून के गले से चेन उड़ाकर भागने की कोशिश करने वाले चेन स्नैचर को ZP वाइस चेयरमैन के शोहर, वाइस MPP और सरपंच व मुकामी अवाम ने ताकुब करते हुए दो में से एक स्नैचर को धर दबोचा और पुलिस के हवाले किया था। इस जिमन में एड़पली पुलिस स्टेशन में पुलिस की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस अमल में आई, जिसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस ने शिरकत की और पुलिस की गिरफ्त में आने वाले स्नैचर से पूछताछ करने का CP ने इजहार किया और पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के ईरानी गैंग से स्नैचर का ताल्लुक होने का शुबा जाहिर किया। मुकम्मल तहकीकात के बाद जिले से चेन स्नैचर को उखाड़ फेंकने की उन्होंने बात कही। इस मौके पर स्नैचर्स को पकड़ने के लिए भरपूर कोशिश करने वाले अवामी नुमाइंदे व मुकामी अवाम जुमला 20 अफराद को महकमा पुलिस की जानिब से उनकी बहादुरी पर सर्टिफिकेट्स दिए गए और इसी तरह अवाम के ताउन से जुर्म का खात्मा यकीन होने का कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर कार्तिकिया ने इजहार किया। टीवी कैमरा जो देखते हैं हम लोग, CCTV एक बहुत ही ज़्यादा एक क्राइम रोकने का एक तरीका है। CCTV आप अगर आपका कोई बिजनेस है या आप कुछ घर में ही हैं, घर में आप कुछ कैश रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, नॉर्मली सबके घर में कुछ कैश कुछ ज्वेलरी रहता है, तो कुछ भी गाड़ियां रहती है, कार रहती है, बाइक रहती है, तो CCTV मेरा आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि एक CCTV अपने घर में या जहां भी आपका बिजनेस है, कोई शॉप है, कुछ आप वैल्यूबल्स रखते हैं उधर लगा के रखिए। बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं है आजकल CCTV, आप इंडिविजुअल एक दो लगाना चाहे 10-15 हज़ार रुपए में लग जाते। निमिदा प्रणाम जिसका उर्दू तर्जुमा है तुमसे है जिंदगी गीत अवाम में काफ़ी मकबूल होंगे। अपनों को छोड़ सुनहरे मुस्तकबिल के लिए बैरून मुमालिक जाने वालों की तकालीफ व परेशानियों का अक्स इन गीतों में पेश किया गया। MLC VG गौड़ का बयान। शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में कोटाला भार्गवी चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत निमिदा प्रणाम तेलुगु नगमों की सीढ़ी वो दही गीतों का 4G चैनल का इजराई प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम में MLC वीजी गॉड, जबरदस्त फेम जीवन, ZPTC रुकन बाजी रेड्डी जगन, साबिका MLC अरकला नरसा रेड्डी शिरकत करते हुए CD की इजराई वो 4G चैनल का आगाज किया। जानापदा कलाकारों के गीतों ने हर एक में जोश भर दिया। इस मौके पर MLC ने कहा कि जानापदा गीतों में देहातों की तहजीब व तमद्दुन की अकासी खुलकर जाहिर होती है और दही गीतों से हर कोई मसरत जाहिर करने का इजहार किया। इसके बाद N जयाप्रदा को अवार्ड से नवाजे। इस प्रोग्राम में जानापदा कलाकार अष्टा गंगाधर, गोदावरी गंगा, विट्ठल गौड़ व दिगर ने शिरकत की। దుబాయ్ లో చూసిన మనం 35 అంతస్తుల బిల్డింగ్ 100 అంతస్తుల బిల్డింగ్ ఈ హైదరాబాద్ కూడా 100 అంతస్తుల బిల్డింగ్ కట్టే పరిస్థితి వచ్చింది. మీరు అక్కడ చేసినటువంటి డ్యూటీస్ అన్ని కూడా 90% డ్యూటీస్ అన్ని కూడా ఇక్కడ చేయచ్చు మీరు. ఒకటే ఒకటి మన ఆత్మయం మనం కొంచెం ఎందుకంటే అక్కడైనా పర్వాలేదు ఇక్కడైనా పర్వాలేదు చేసినట్టు ఓపికంగా ఉంటే హైదరాబాద్ కూడా మంచి మరి భవిష్యత్తు ఉంది.
నుంచి వస్తూ ఉంటాయి. మరి ఎంతో బాధ అనిపించినటువంటి సందర్భాలు కనపడతా ఉంటాయి. ఈ వీడియో ద్వారా మంచి చక్కటి సందేశాన్ని మరి జబర్దస్త్ టీం ద్వారా కానీ, అష్టగంగాధర్ గారు కానీ, దీన్ని స్పాన్సర్ చేసినటువంటి సోదరుడు సోదరి మల్ల కానీ నేను అభినందిస్తూ ఉన్నాను. చాలా మంచి ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ కో ఆర్జీ తోర్ పర్ మోతల్ కే జానే సే తనాజా పైదా హువా. तहकीकात किए बिना ही डीआरडीओ पीडी एक तरफा फैसला लेने पर एहतजाज के लिए आमदा. एड़पल्ली मंडल के एआरपी कैंप तमानियत रोजगार फील्ड असिस्टेंट शंकर धानलिया करने का मुकामी सरपंच अखिला महेश डीआरडीओ राठौड़ रमेश से तहरीरी फरियाद किए और उनकी फरियाद पर दिलचस्पी लिए डीआरडीओ पीडी फील्ड असिस्टेंट को मुअत्तल करने के इस माह की 7 तारीख को अहकाम जारी किए और इस इकदाम पर एहतजाज करते हुए इस गांव के तमानियत रोजगार मजदूरों ने एमपीडीओ ऑफिस के सामने धरना मुनज़िम किया. इसके बाद एमपीडीओ को मकतूब पेश किया. इस मौके पर ईजीएस मजदूरों ने कहा कि सियासी मफाद हासिल करने के लिए सरपंच झूठी फरियाद करने का इल्ज़ाम आयद किया और मुकामी तौर पर तहकीकात न करने पर सख्त बरहमी जताई. और एड़पल्ली एमपीडीओ शंकर ने कहा कि डीआरडीओ पीडी गुज़िश्ता 30 सितंबर को तहकीकात के लिए अहकाम दी और 15 तारीख को तहकीकात करते हुए रिपोर्ट सौंपी गई और धांधलिया करने की तहकीकात में तस्दीक होने का इजहार किया और फील्ड असिस्टेंट को एतराज़ होने पर वजाहत करने की बात कही. ईरोजु एड़पल्ली मंडलम एआरपी कैंप ग्रामंलोन उन्न फील्ड असिस्टेंट नु तात्कालिक तोलगिंपुपै एमडीओ गारु मरियु पीडी दामा पीडी गारु वेलुगु पीडी गारु తాత్కాలికంగా సస్పెండ్ చేస్తున్నట్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన దానికి ఉద్దేశించి ఈరోజు ఎడపల్లి మండలంలోని ఎండిఓ గారికి ఏఆర్పి క్యాంప్ గ్రామస్తుల తరఫున ఉపాధామి కూలీలు మరియు మేట్లు అందరు కలిసి ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ను తొలగించింది తప్పు కనుక సమర్థించి అదే ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ను యథావిధిగా విధుల్లో కొనసాగింది. సెప్టెంబర్ 2019 వచ్చిన తర్వాత 15/10/2019 ఆ లెటర్లో మెన్షన్ చేసిన దాని మీద ఎంక్వైరీ అనుకుంటుంది. చేసిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది వాళ్ళు వర్క్ పోయినా పోకున్నా కూడా ఈ అబ్బాయి ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్. కిసానో ఓ ఆర్టిస్ట్ ములాజమీన్ కే మసైల్ కి ఎక్ సుయి మే హుకుమత్ పూరి తరహ నాకామ్. साबिका राज्यसभा रुकन हनुमंतराव कबैन मुस्तहकीन किसानों के लिए दी जाने वाली बहबूदी स्कीम के फवायद से किसान महरूम होने पर बौखलाहट जाहिर की. किसानों व आर्टिस्ट मुलाजमीन के मसाइल की एक सुई के लिए हुकूमत गलत तरीक़ेकार इस्तेमाल करना ठीक न होने का जिला कांग्रेस पार्टी ऑफिस में डीसीसी सदर मनाला मोहन रेड्डी के तहत मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी सीनियर कायद साबिका राज्यसभा रुकन हेमंत राव ने इजहार किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि एससी एसटी किसानों पर वो आर्टिस्ट मुलाजमीन पर वजीर आला केसीआर अपनी हठधर्मी दिखा रहे. इंतखाबात से कबल पसमानदा तबकात से किए गए वादों की पासबानी ना करने के अलावा माजी की हुकूमतों में इन्हें दी गई ज़मीनों को भी रेवेन्यू अहदेदारों के हाथों पट्टे पासबुक तब्दील करते हुए मनमानी करने की बात कही और गुरबा के ज़मीनों को सरमाएदारों के नाम तब्दील करते हुए धोखा देने पर सख्त बरहमी जताई और मरकजी हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे चेकों को बैंक खातों में डालते हुए फवायद हासिल किए जाने और ज़मीनों के मुतालिका रिकॉर्डों में दूसरे नाम से तब्दील करने पर सख्त बरहमी जताई. వచ్చే కాలం తప్పనిసరిగా ప్రజలకు ఉద్యోగం చేస్తారు. అప్పటి వరకు రైతులకు న్యాయం జరిగే వరకు మేము తప్పనిసరిగా ఏ స్లోగన్ అయితే దానిలో చెడు జై జవాన్ జై కిసాన్ బోధన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఏసీఎస్సి ప్రతి జిల్లా ప్రతి మండలంలో ఎక్కడ న్యాయం జరిగితే అక్కడితో వారికి మాట్లాడుతూ వారికి న్యాయం ఇచ్చే వరకు మాకు తప్పనిసరిగా ప్రజలు ఇలా పోయింది. यहाँ लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फा.
न्यू ताज ज्वेलर्स आजम रोड पर अपने मौजूद ग्राहकों के लिए बम्पर ऑफर्स। सिर्फ ऑफर नहीं, ऑफर्स यानी तलाई जेवरात की खरीदी पर फी तोला ₹1000। जी हाँ, ₹1000 की छूट। फी तोला चांदी पर ₹30 की छूट। साथ ही साथ जेवरात की बनावट पर 50% की रियायत। इतना ही नहीं, न्यू ताज ज्वेलर्स आजम रोड पर खरीदे गए जेवरात कहीं भी सिर्फ एक गुंजी कम से फरोख्त करें। जेवरात के माहिर जनाब खुसरू की निगरानी में जेवरात की पूरी गारंटी के साथ बनावट। डिजाइन ऐसे कि आप दाद दिए बिना ना रह पाए। कोई धोखा नहीं, कोई फरेब नहीं। उम्दा क्वालिटी, नित नया डिजाइन जो हर दुल्हन की पहली पसंद और आपकी तकारीफ को चार चांद लगा दे। अब खूबसूरत डिजाइन के तलाई जेवरात की खरीदी न्यू ताज ज्वेलर्स आदम रोड पर करें और फी तोला तलाई जेवरात मार्केट से ₹1000 कम कीमत पर पाए। इतना सब सिर्फ और सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स पर। अब जेवरात की खरीदी की खुशियां होगी दोबारा। हमारा पता है न्यू ताज ज्वेलर्स हेड पोस्ट ऑफिस के करीब बॉडी लाइन जिम के सामने आजम रोड निजामाबाद। सेल नंबर 08462252786 9493959915। जेवरात की बनावट में काबिले भरोसा नाम फिजा ज्वेलर्स। फिजा ज्वेलर्स का खुसूसी ऑफर। फिजा ज्वेलर्स पर शादी ब्याह व दीगर तकारीब के लिए बिल्कुल नए डिजाइन में 916 हॉलमार्क से तैयार करदा दुबई हार, कुवैत डिजाइन, फैंसी हार, रानी हार, लॉन्ग चेन, नेकलेस, गलसेट, कंगन, लच्छा, फूल झुमके, इयररिंग्स और हम आसाम की अंगूठियां। हमारा सोना कहीं भी चेक करवा ले, कहीं भी मालूम करवा ले। कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो धोखा दे वो हमें से नहीं, झूठ रिस्क घटा देता है। फिजा ज्वेलर्स पर शादी सीजन के लिए स्पेशल ऑफर। कोई भी सोने का जेवर बनवाए, एक तोला जेवर की मजदूरी सिर्फ ₹100 होगी। कोलकाता के माहिर कारीगरों से बिस्किट के सोने के जेवरात सिर्फ 8 दिनों में आपकी पसंद के मुताबिक तैयार किए जाएंगे, तो जरूर तशरीफ लाए। फिजा ज्वेलर्स सुल्तान्स लेडीज शोरूम के बाजू नेहरू पार्क निजामाबाद। सेल नंबर 9394898550। इलेक्ट्रॉनिक अशिया की दुनिया का मुनफरिद सितारा वो भरोसेमंद नाम सिद्दीक इंटरप्राइजेस। बेस्ट प्राइस पर बेस्ट ऑफर। नित नए डिजाइन और जदीद तकनीक के इलेक्ट्रॉनिक अशिया की खरीदी के लिए जरूर तशरीफ लाइए सिद्दीक इंटरप्राइजेस। हमारे यहाँ जुमला इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, एसी, ओवेंस और बहुत कुछ, जो आपकी जरूरत भी और घर की सजावट भी। वाजबी कीमत और ईएमआई की सहूलत पर 0% डाउन पेमेंट के साथ सिद्दीक इंटरप्राइजेस पर दुनिया की मशहूर और मारूफ कंपनियों के तमाम इलेक्ट्रॉनिक अशिया दस्तियाब है। इसके अलावा जर्मन के हायर वो लेबर जैसी कंपनियों की अशिया भी दस्तियाब है। दशहरा का खुसूसी ऑफर, तो फायदा उठाइए सिर्फ सिद्दीक इंटरप्राइजेस। नज़द हेड पोस्ट ऑफिस आजम रोड निजामाबाद। प्रोपराइटर जोएब अहमद सिद्दीकी। फोन नंबर 9666611880। जेड प्लस खलवे शहर बोधन बस स्टैंड के चंद मीटर के फासले पर एसबीआई बैंक के बिल्कुल करीब। वसी वो अरीज, कुशादा और सहूलतों से आरास्ता इमारत जेड प्लस किराए पर दी जा रही। लिफ्ट की सहूलत, सेलर पार्किंग, जदीद तर्ज के हॉल व दीगर।
अब अपनी तिजारत को चार चांद लगाइए, दवाखाने के लिए मौजूद तो देर न करें, वाजबी किराया या लीज पर हासिल करें। किसी भी कॉर्पोरेट तर्ज की तिजारत की मुफीद व मौजूद इमारत जेड प्लस खिला रोड नज़्द एसबीआई बैंक निजामाबाद, राब्ता करें 9978710528 9701732021। शहर निजामाबाद में पहली बार स्टेनलेस स्टील की दुनिया में इरफान स्टील की धूम। जी हां, इरफान स्टील की धूम वो डबल धमाका। 75,000 मालियात का जहेज का मुकम्मल सामान सिर्फ 50,000 रुपये में। 50,000 मालियत का मुकम्मल जहेज अब सिर्फ 35,000, वो भी ब्रांडेड को गारंटी के साथ। अब आसान किस्तों में, यानी आप रोजाना 100 रुपये, हफ्ते के 1,000 रुपये या फिर महाना 3,000 रुपये अदा कर सकते हैं। यानी 18 महीने में आसान किस्तों पर रकम जमा करें और जहेज का मुकम्मल सामान गारंटी के साथ हासिल करें। इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 2 साल और स्टील के सामान पर 1 साल की गारंटी। कुरान पाक को जाय नमाज इरफान स्टील की जानिब से बतौर तोहफा दिया जाएगा। इसके अलावा दशहरा व दीपावली का खास ऑफर, भारतीय गंगा का प्रेशर कुकर 5 साल गारंटी के साथ, 5 लीटर व 3 लीटर के कुकर सिर्फ 999 रुपए में। तो है ना डबल धमाका, जल्दी कीजिए, मौका छूट न जाए। इरफान स्टील, नज़्द इकबाल मीनार, अहमदी बाजार, निजामाबाद। फोन नंबर 9701033147। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे तफसील की तरफ। यही तिफलाने मकतब जिनसे वाबस्ता है मुस्तकबिल, इन्हीं जर्रों को चमकाकर हमें महताब बनाना है। अलखैर सोसाइटी के जेर एहतमाम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्बत से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए नातिया मुकाबलों का इनेकाद। सोसाइटी के इस कदम की मेहमानान ने सताइश की और जीत हासिल करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। बोधन के जल्लापल्ली में अलखैर सोसाइटी की जानिब से जल्लापल्ली उर्दू मीडियम में स्कूल के तलबा के लिए जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्बत से नातिया मुकाबलों का इनेकाद अमल में आया, जिसमें तलबा ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और जनाबी रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में नात के नजराने पेश किए और जीत हासिल करने वाली तलबा व तालिबात को इनामात दिए गए। इफ्तिताही तकरीब में कोटगेर एसआई, ZPTC मार्केट कमेटी चेयरमैन, सरपंच व दीगर मुअज्ज़ज़ शख्सियतों ने शिरकत की और मेहमानों के हाथों इनामात की तकसीम अमल में लाई गई और अलखैर सोसाइटी के इस कदम को खुश आइन और हौसला बख्श कदम बताया और बताया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे गए और आपकी सीरत को आम करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ इस तरह के मुकाबलों से तलबा की काबिलियत में इजाफा होता है। ये कहने वालों ने कहा था कि यही तिफलान मकतब जिनसे वाबस्ता है मुस्तकबिल, यही तिफलान मकतब जिनसे वाबस्ता है मुस्तकबिल, इन्हीं जर्रों को चमकाकर हमें महताब करना है। अगर इनकी सही तौर पर रहनुमाई की जाए, इनको थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए तो यकीनन ये हमारे मुस्तकबिल का सहारा और आसरा हो सकते हैं। अजीज़ाने गिरामी, मैं थोड़ी देर के लिए वालदैन से भी मुखातिब हूँ, बच्चों की तालीम पर तवज्जो दीजिए। ऑल कम्युनिटीज़लो అలాంటి పాటలు కానీ అలాంటి చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకు చేయడం వల్ల వాళ్ళ ఉన్న చిన్నప్పటి నుంచి ఒక దయగుణం కానీ ఒక మానవ హ్యూమన్ డిగ్నిటీ, హ్యూమన్ అనే మనిషి అనే ఒక రూపం అలవాటవుతుంది, లేకపోతే రాక్షసులాగా తయారవుతాడు. అందుకోసం ఇలాంటి రిలీజియస్ ప్రోగ్రామ్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ కండక్ట్ చేసిన దానికి ఆల్ ఖైరా ఐథింక్ అంతేనా రైట్ థ్యాంక్ యూ. జిల్లా సర్కారీ దవాఖానే కే అమలే కి మన్మానీ సే कौन वाकिफ नहीं, लेकिन गुज़िश्ता चंद माह से जिला सरकारी दवाखाने के सिक्योरिटी गार्ड गुंडागर्दी पर आमदा है। बदसलूकी, बहस व तकरार, मारपीट सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए रोज का मामूल बनता जा रहा। इन्हें ना कोई रोकने वाला है और ना ही इन्हें कानून का खौफ है। एक नौजवान से बहस व तकरार के बाद
सिक्योरिटी गार्ड्स ने नौजवान के साथ मारपीट की। जिला सरकारी दवाखाने से इलाज न मिलने की खबरें तो आम बात बन गई, लेकिन अब जिला सरकारी दवाखाने के सिक्योरिटी गार्ड्स की हरकतें, मारपीट और गाली गलौज से दवाखाने में आने वाले मरीज और मरीजों की इयादत के लिए आने वाली अवाम परेशान नजर आ रही। चंद रोज कबल सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से एक खातून के साथ बदसुलूकी का मामला सामने आया था। ताज़ा तौर पर अल्ताफ नामी तालिब इल्म जो जिला सरकारी दवाखाने में इलाज हासिल कर रहा है इयादत के लिए गया। बाइक पार्किंग को लेकर दवाखाने के सिक्योरिटी गार्ड और अल्ताफ में बहस हो गई। अल्ताफ नामी तालिब इल्म ने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड्स पहले गाली गलौज पर उतर आए, फिर बात करने के बहाने कमरे में ले जाकर उसके साथ खूब मारपीट की, जिस पर उन्होंने अफसोस जाहिर किया। इस वाकये के खिलाफ कांग्रेस कायद उबैद बिन हमदान और TNSF जिला सदर यूसुफ बिन अबूत ने एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस को तहरीरी मकतूब दिया और इस तरह के वाकयात में मुलाविस सिक्योरिटी गार्ड्स पर कड़ी कार्रवाई का किया मुतालबा। गाड़ी पार्क कर रहा हूँ तो सिक्योरिटी गार्ड आया, अरे गाड़ी सीधी लगा बस मिला हो लगा रहा हूँ बोलिए बात करा तो मिला घसाले मस्जिद आगे तुड़को नजर बोलिए गाली दिया तेलुगु में, मिला गाली मत दो सीधी बात करो बोल दो चल से अंदर चल ऑफिस में बोल के गला पकड़ के लेके आया यहाँ पे उठा के फाइट मार दिया है। मैं अंदर बात करने लग जाते तुम पुलिस वाला भी लेके गया अंदर बात करेंगे बोले अंदर लग जाते पुलिस वाला बैठ गया चेयर पे तीन सिक्योरिटी गार्ड मिल गए पलंग पे सुला के फुल मारे फैटा फटा मारे तीनों मिल गए। कहा सुप्रिंटेंडेंट साहब के पास आया मैं कंप्लेंट लेके सुप्रिंट साहब बोले मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ यहाँ पे जो करना है कर लो बोल के बोले वहाँ एसआई के सामने बोले तो एसआई क्या बोला वो औरत इससे पहले भी केस हुआ था यहाँ पे इससे पहले मारे औरत तो मारे अब यहाँ पे सब किसके पास जाना है यहाँ पे सीपीए साहब। तो लिहाजा ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसे वाकये पिछले 15 दिन से हो रहे हैं, इससे पहले भी अस्मा बेगम नामी एक खातून के ऊपर भी हमला किया गया था। तो ये सिक्योरिटी गार्ड्स का गुंडाइज्म इतना बढ़ता जा रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो ये इस ताल्लुक से हमने आज कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी एक याददाश्त पेश की जिसमें कमिश्नर साहब ने ये तआक्कुन दिया कि वो जो है ना सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और ऐसे इंसिडेंट होने पर रोकथाम करेंगे। तो लिहाजा ये यहाँ पे इनका गुंडाइज्म इतना बढ़ता जा रहा है, तो लिहाजा हम ये डिमांड करते हैं आल पार्टी के जानिब से कि ऐसे वाकयात होना बहुत ही गलत बात है, बहुत ही ख़राब बात है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसी जगह है यहाँ पे हर तरीके के हर मज़हब के हर तरीके के लोग आते हैं और अपने इलाज के लिए यहाँ पे जो है ना एक मुकम्मल तरीके से यहाँ पे सुकून से इलाज होता बोलकर एक भरोसे से आते हैं। तो लिहाजा हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट से कि ऐसे वाकियों पर रोकथाम करें, ऐसे वाकये पर तवज्जो दे। नफे के उम्मीद लगाए किसानों को गैर मौसमी बारिश ने मायूसी में डाल दिया। गैर मौसमी बारिश से लहलहाती फसलों को शदीद नुकसान। जिले में हुई गैर मौसमी बारिश से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। धान के पौधे जमीन पर झुक जाने से इनमें कोंपले पैदा हुई। माकलूर मंडल दासनगर के सरहदी खेतों का CPM मंडल कायद कोंडा गंगाधर ने जायजा लिया और ज्यादातर खेतों में धान की फसलें झुक जाने और धान पानी में डूब जाने को देखते हुए दमबकौर हो गए और अहदेदार जल्द अज जल्द फसलों के नुकसान का अंदाज़ा लगाते हुए किसानों को इमदाद देने का इजहार किया और एक एकड़ के लिए 25,000 रुपये नुकसानी मुआवजा देने की मुकामी किसानों ने हुकूमत से ख्वाहिश जाहिर की और फसलों की काश्तकारी के लिए एक एकड़ में 40,000 से 50,000 रुपये सरमाया लगाने पर अफसोस जाहिर किया। मरी ప్రభుత్వం ఏదైనా సహాయం చేయాలని చెప్పి మేము కోరుతున్నాము. ఈ నష్టపరము మొత్తము ఇదైపోయింది, మరి ఏం చేయాలని చెప్పి రైతు అకాల వర్షాల ద్వారా నష్టపోయినటువంటి ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వమే భరించాలా? ఒక్కొక్క ఒక ఎకరానికి 40,000 రూపాయలు. బేటీ బచావ్ బేటీ పడావ్ ప్రోగ్రామ్ కా మోర్తార్ గర్ల్స్ స్కూల్ మే ఇనకాద్ స్కూలీ తాలిబాత్ ICDS కే తహత్ ర్యాలీ నికాలి और खवातीन के समाज में मसावियाना हुकूक सही तरक्की का किया इजहार। मोरताड़ गर्ल्स स्कूल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसमें लड़कियों ने एक रैली निकाली। ICDS की क़यादत में लड़कियों की आला तालीम और समाज में बराबर हुकूक हासिल करें। आंगनवाड़ी टीचर ज्योति ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि खातून इंदिरा गांधी वज़ीर आज़म की हैसियत से अपने खिदमात
انجام دی اور ملک و بیرونی ممالک میں ہندوستان کی پہچان بنائی. تعلیمی و کھیل کے میدان میں لڑکیاں برابر اپنا حق حاصل کریں اور آگے بڑھے. سماج میں مردوں کے برابر خواتین بھی برابر شریک ہے. جاریہ ماہ کی 7 نومبر سے 13 نومبر تک یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا. لڑکیاں کم عمری میں شادی نہ کریں. اسکولی طلبہ میں شعور بیداری کی گئی. لڑکیاں اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہوئے اپنے والدین اور استاد اور ملک کا نام روشن کریں. బాలల హక్కుల వారోత్సవాల సందర్భంగా ఈరోజు మోర్తాడు గ్రామంలో ప్రాథమిక బాలికల పాఠశాలలో బేటీ బచావో బేటీ పడావ్ అనే ప్రోగ్రాం పైన ర్యాలీ తీయడం జరిగింది. అదేవిధంగా పిల్లలకు ఆడపిల్లల పట్ల ఏ విధంగా నడుచుకోవాలి, ఆడపిల్లల్ని ఎలా బ్రతికించుకోవాలి, ఎలా ఆడపిల్లలు ఎదగాలనే దాని మీద ఈరోజు పిల్లలతో మాట్లాడడం జరిగింది. అదేవిధంగా వారికి ఉదాహరణగా ఈరోజు మన దగ్గర ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి కానీ ఇంద్రమ్మ కానీ వీళ్ళందరూ ఆడవాళ్ళే కాబట్టి అలా మీరందరూ ఎదగాల. అదేవిధంగా మన మొన్నటి విషయం చూసినట్టయితే మానవతి పూర్ణ గారు ఆమె చిన్న వయసైనా ఎవరెస్ట్ శిఖరాలెక్కి ఎంతో పేరు గాంచింది. కాబట్టి మీలో కూడా మీరు ఆడపిల్లలని అనుకోకుండా చులకన కాకుండా మీరంతటి మీరందరూ ప్రతి ఒక్క ఆడపిల్ల ప్రతి విషయంలో ప్రతి పనిలో మీరు ఎదగాలని ఈరోజు పిల్లలతో మాట్లాడడం జరిగింది. ఈ సీజన్ మే మాయూసీ మే ముబ్తలా కియా నిజాం సగర్ ప్రాజెక్ట్ రబీ మే కిసానో కో సహారా దేగి. خریف سیزن میں فصلوں کی کاشتکاری کافی کم ہونے پر بھی ڈالی گئی فصلوں کو بارش نے تقویت دی. فی الحال پروجیکٹ میں 4 TMC پانی جمع ہونے سے ربی سیزن میں پانی کی اجرائی کے لیے عہدیدار منصوبے تیار کر رہے. متحدہ ضلع کو زرخیز کرنے والے نظام ساگر پر کسانوں کی امیدیں جاگ اٹھی. بارش کے موسم میں نظام ساگر میں امید کے مساوی پانی نہیں آیا اور صرف پوچرام پروجیکٹ کے ذریعے ہی آئے پانی سے نظام ساگر میں 4 TMC پانی جمع ہوا. اور اس پانی کو دیکھتے ہوئے عہدیدار یاسنگی فصلوں کو اگانے کے لیے منصوبے تیار کر رہے. متحدہ ضلع کے 2,31,000 ایکڑ اراضیات کو کاشتکاری پانی دینے والی نظام ساگر پروجیکٹ سے اس قریب سیزن میں کسی بھی طرح کے پانی کی اجرائی نہیں کی گئی. سنگیتم و کلیانی ریزروائرس میں آئے پانی کو ہی نظام ساگر کنال کے ذریعے چھوڑا گیا. اس سال خریف میں نظام ساگر آیاکٹ کے نیچے تقریباً 90,000 ایکڑ میں دھان کی فصلیں اگانے کا عہدیداروں نے اظہار کیا اور بالائی علاقوں سے سیلابی پانی آنے سے پروجیکٹ میں آبی ذخیرہ 4.075 TMC جمع ہو گیا جس سے کسانوں کی امیدیں جاگ اٹھی اور پروجیکٹ میں 1,405 فٹ آبی ذخیرے کے لیے فی الحال 1,390.10 فٹ پانی جمع ہوا ہے اور بالائی علاقوں سے 68 کیوسک پانی آ کر جمع ہو رہا جس سے کسان یاسنگی فصلوں کو اگانے کی تیاریاں کر رہے. اختتام سے قبل پھر ایک بار نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈ لائنز پر. وقت پر علاج و متوازن غذا سے شوگر پر قابو پایا جا سکتا ہے. آئی ایم اے کے شعور بیداری پوسٹرز کی رسم اجرائی کے موقع پر اربن ایم ایل اے بیگالا کا خطاب. حکومت آٹے سے ملازمین کے ساتھ کر رہی ناانصافی. ملازمین و کسانوں کو راحت دینے میں حکومت ناکام. ہنمنت راؤ کا الزام. ضلع سرکاری دواخانے کے سیکورٹی گارڈز کی مریضوں و عوام کے ساتھ بحث و تکرار. مار پیٹ روز کا معمول. ایک نوجوان کے ساتھ مار پیٹ کا ایک اور واقعہ عوام میں تشویش. عوام کی بہادری سے پولیس کے ہتھے چڑھا چین اسنیچر سے پوچھ تاچھ جاری. مہاراشٹرا کے ایرانی گینگ سے تعلق ہونے کا شبہ. اسنیچر کو پکڑنے کے لیے بہادری دکھانے والوں کو پولیس نے دیے سرٹیفکیٹ. کمشنر آف پولیس کی پریس کانفرنس. تو یہ تھی خبروں کی تفصیل. انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے پرواز ٹی وی. دے اجازت. اللہ حافظ.